वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ आपके साथ आपका अपना फ्रेंड मिस्टर दिलीप हिमाचली। तो दोस्तों, आपने अमूमन देखा होगा मेरी ट्रैवलिंग की वीडियोस रहती है और देहरादून टू हिमाचल काफ़ी टाइम मैंने काफ़ी ब्लॉग्स इस पर बना दिए हैं कि ट्रैवल का क्या है। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज मेरे पास ऐसी आती है कि भैया इसका टाइमिंग क्या रहता है और ये बस कितने बजे चलती है। तो फुली डिटेल तो मेरे पास भी नहीं रहती क्योंकि यार लॉन्ग रूट का कभी भी टाइम चेंज हो जाता है और कोविड के बाद से जो सारा टाइमिंग है वो चेंज हुआ पड़ा है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक और शॉर्ट जो रूट देने वाला हूँ क्योंकि आपको मैं यहाँ से लेके चलूँगा चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हिमाचल के लिए आपको पता है कि हर जगह से बसेज मिल जाएंगी वहाँ से। तो यहाँ से मैं सीधे अभी चलूँगा चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हिमाचल का जो बेस्ट रूट है यहाँ से जो कि देहरादून टू चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हिमाचल के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको बसेज अवेलेबल रहेंगी। तो बेटर है आपके लिए यहाँ से आप कोई भी बस ले लीजिए चंडीगढ़ की। तो अभी यहाँ बस लग चुकी है चंडीगढ़ के लिए, इसमें मैं उत्तराखंड परिवहन निगम से जाने वाला हूँ चंडीगढ़ की तरफ। तो चंडीगढ़ से बस लूँगा चंबा के लिए, चंबा हिमाचल प्रदेश के लिए। तो चंडीगढ़ में आपको पता है कि आपको हर जगह की बसेज अवेलेबल रहती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी पंजाब रोडवेज मिल जाएगी, दिल्ली से जो हिमाचल की तरफ जाने वाली बसेज रहेंगी वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज की इस रोड ट्रिप को स्टार्ट करते हैं देहरादून बस स्टैंड से। तो ये रहने वाली है उत्तराखंड रोडवेज के साथ में, ये मेरा ट्रिप रहने वाला है आजकल है उत्तराखंड रोडवेज। और उत्तराखंड रोडवेज से आज मैं चलूँगा हिमाचल की तरफ। पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ उत्तराखंड रोडवेज में, तो इसमें मैं ट्रैवल करूँगा सिर्फ चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से बस चेंज कर लूँगा क्योंकि अभी दिन का टाइम है। तो मेरे को जाना है डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ के लिए देहरादून से डायरेक्ट बस तो अभी कोई भी नहीं है फिलहाल। तो मेरे को डायरेक्ट बस मिलती है हरिद्वार से, तो यहाँ से हरिद्वार का रास्ता तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वो रास्ता है। तो मैंने इसे अच्छा यही सोचा कि क्यों ना मैं चंडीगढ़ चला जाऊं और वहां से मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। दिल्ली से जो भी चंबा के लिए बस आएगी वो मेरे को मिल जाएगी, पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, सभी जो बसेस के ऑप्शन होंगे वो मेरे पास बहुत हो जाएंगे। और अभी सुबह के हो रहे हैं 10 बज रहे हैं, तो अगर मैं 10 बजे भी चलता हूँ तो शाम को 2-3 बजे तक चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा और ईज़िली वहाँ से मैं रात को चंबा में पहुँच जाऊँगा। मैं आपको हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो समय सारणी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस जगह के लिए कौन सी बस कितने टाइम पे निकलती है। तो चलिए, ये रहा यहाँ पे थोड़ा सा लगा हुआ है समय सारणी, परिवहन निगम का समय सारणी बोर्ड, जिसमें देहरादून बैजनाथ बाया होते हुए जाएगी ये नाहन चंडीगढ़ का उन्ना कांगड़ा, 5:30 बजे ये चलती है यहाँ से। और सभी बसेस का यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, देहरादून चंबा, देहरादून धर्मशाला, डलहौजी सरका घाट, देहरादून मनाली, बैजनाथ सरका घाट, शिमला, पठानकोट केलांग और सराहन तक। तो इसमें डिफरेंट टाइमिंग दी हुई है, 5 बजे चलेगी, 6 बजे, 12 बजे, सुबह 5 बजे, शाम को 5:30 बजे, 6 बजे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो इसमें टाइमिंग यहाँ पे लगती हैं हिमाचल की बसेस। और ये रहा हिमाचल का जो बस डिपो है, और साथ में यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप चंडीगढ़ का बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ से चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा के लिए भी बसेज लगती हैं। और जो देहरादून बस स्टैंड है उसका मेन एंट्रेंस पे ही आपको दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा की बसेज मिल जाएंगी, और उसके साथ में यूपी का भी बस डिपो है। जर्नी शुरू करते हैं देहरादून टू हिमाचल, मिलते हैं वीडियो में।
फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे बसेस के। यहां से दिल्ली से हरियाणा रोडवेज और पंजाब रोडवेज भी यहां से मेरे को डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अगले पार्ट में आपको दिखाता हूँ चंडीगढ़ टू चंबा का ट्रैवल।